पंडित जी, आज हम लोग राहु केतु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि ये राहु केतु कभी शुभ फल नहीं देते, हमेशा परेशान करते हैं। बिल्कुल। तो कुंडली में ऐसी क्या स्थिति बनती है जब ये राहु केतु शुभ फल प्रदान करते हैं? प्रवीण जी, किसी भी ग्रह के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो ग्रह बुरा ही फल देगा या कोई ग्रह इतना शुभ है कि हमेशा ही शुभ फल देगा। अलग अलग पोजीशन के हिसाब से कोई ग्रह आपको जिंदगी में अच्छा या बुरा फल प्रदान करता है। राहु और केतु की अगर बात करें तो ये भी कुछ विशेष स्थितियों में शुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम राहु की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में सफलता देता है। जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के या कम्युनिकेशन के इंजीनियर होते हैं उनकी कुंडली में राहु की भूमिका बहुत होती है। राहु और केतु रूप बदलने वाले ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए राहु अभिनय के क्षेत्र में जहां रूप बदलने की ज़रूरत होती है और राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता देता है। राहु पॉलिटिक्स में एकदम से आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। राहु आकस्मिक रूप से ऊंचाइयां भी देता है, हालांकि राहु केतु मिल करके उतार चढ़ाव दोनों देते हैं, लेकिन जीवन में आकस्मिक ऊंचाई और जीवन में सडन डेवलपमेंट वो राहु की वजह से आपके जीवन में होता है। केतु जो है वो रिसर्च का मालिक है। केतु गूढ़ रहस्य सुलझाता है, इसीलिए केतु अनुसंधान के क्षेत्र में और रहस्य के क्षेत्र में सफलता देता है। जो लोग किसी चीज़ को बड़ी गहराई से जानने का प्रयास करते हैं या किसी क्षेत्र में बड़ी गहराई से जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ पर केतु की भूमिका काफ़ी होती है। केतु जो है ये व्यक्ति को साहसी भी बनाता है। केतु कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा करता है, व्यक्ति के अंदर साहस भी पैदा करता है। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बनाता है, आध्यात्मिक सफलता भी ज़रूर देता है। और ख़ास तौर से केतु अगर कुंडली के 12वें भाव में हो और शनि से कनेक्ट करता हो तो ऐसा केतु व्यक्ति को मोक्ष दे सकता है। यानी केतु आध्यात्मिक उपलब्धियां और मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर व्यक्ति को ले जाता है। वैसे राहु और केतु अगर कुंडली में शुभ स्थानों पर हों तो ये व्यक्ति को धर्म स्थान की यात्रा करवाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करवाते हैं। खास तौर से अगर कुंडली में राहु कर्क राशि में बैठा हो तो विशेष पवित्र माना जाता है। और ऐसा राहु आपको धार्मिक भी बनाता है, धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करवाता है और पवित्र नदियों में स्नान भी करवाता है। तो देखिए, आप एकदम से ब्लंटली सीधे तौर से नहीं कह सकते कि राहु केतु केवल बुरा करते हैं। करते हैं, क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर ये शुभ फल देते हैं तो व्यक्ति को रातों रात सडनली बड़ी ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देते हैं। राहु केतु आपको शुभ फल भी प्रदान कर सकते हैं। अब उनकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है, कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।